पुलिस से लोग डरते हैं और रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें अपने कार के या बाइक के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं या फिर जो भी चेकअप होता है उस तरह की बात करते हैं। लेकिन शिमोगा से जो आपको ये वीडियो ला रहे हैं जहां पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पर्सनल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और गाड़ी वाले को कार वाले को कह रहे हैं कि रुक जाओ, लेकिन गाड़ी वाला सुनने को तैयार नहीं है। दोनों में एक दूसरे से आईने के अंदर ही एक दोनों में एक कम्युनिकेशन होता है और अचानक से दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल एंड बाय रिचटी, स्वाद में रिचनेस। वो ड्राइवर कार लेके तेजी से दौड़ता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने बोनट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी तेज रफ्तार में चली जाती है। यानी कि फिल्मी सीन टाइप एक ये मामला हुआ शिमोगा के सह्याद्री कॉलेज के बिल्कुल सामने, जहां पर 100 मीटर के करीब ये पुलिस पर्सनल को ड्रैग किया गया है। दोपहर 2 बजे का यह वाकया है और आपको बताते हैं कि रूटीन चेकअप होते हैं कॉलेज के करीब और इस सिग्नल पर यह मामला हुआ है। पुलिस पर्सनल की जान जाते जाते बच चुकी है और अक्यूज का नाम मिथुन जगदाले बता जा रहा है जो कि केबल ऑपरेटर है और ये वीडियो आप देख सकते हैं जो काफी वायरल हो रहा है। शिमोगा के एसपी मिथुन जी ने कहा कि स्ट्रिक एक्शन लिया जाएगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल एंड बाय रिचटी, स्वाद में रिचनेस।